कन्हैया भी अजीब चीज है हमारे घर में। देखो ना, मेरे पलंग पर गहनों और कपड़ों का ढेर लगा के जैसे घर में कोई जगह नहीं मिलती। अरे ये गठरी तो हिलने लगी। अच्छा तो आप हैं वहां। सुधा, कितना प्यारा नाम। सुधा के मायने जानती हैं आप? अमृत। और आप हैं अमृत की देवी, और अमृत को घूंघट में बंद नहीं करना चाहिए, इसकी तो वर्षा होनी चाहिए इन आंखों से। मालूम होता है आपको बिजली की रोशनी पसंद है, और किसी ने कहा भी तो है शबे विशाल है रोशन चिराग गुल कर दो, खुशी की रात में क्या काम जलने वालों का। पर ये भी अच्छी रही, हम जितना करीब आना चाहते हैं घूंघट साहब उतने लंबे होते जा रहे हैं। अब तो हमने भी कसम खा ली, या हम रहेंगे या ये घूंघट। वही हुआ जिसका मुझे डर था, जो मैं चाहता था ना हो लेकिन जानता था होकर रहेगा। इंसान न जाने क्यों सपनों के संसार में रहना पसंद करता, और सपनों की हस्ती ही क्या, पानी के बुलबुले जो जरा सी तेज लगने पर टूट टूट जाए। ये सपना ही तो था ना कि तुझ जैसी हसीन लड़की मेरे जैसे बदसूरत आदमी के साथ खुश रह सकेगी। मैंने तो कहा भी था तुम्हारे पिताजी से, अपनी माताजी से, लेकिन उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। कहने लगे सूरत से सीरत बड़ी चीज है। सीरत, मेरी सीरत भी क्या है, एक ऐसी आरसी जिसमें मेरे चेहरे की बदसूरती झलकती है। लेकिन मैं हमेशा ऐसा बदसूरत न था। मेरी शक्ल को देख के लोगों की चीखें नहीं निकलती थी। काश काश मैं हमेशा ऐसा ही बदसूरत होता तो वो तो ना होता जो आज मेरी जिंदगी में हुआ। जो ना होता तो कितना अच्छा होता। काश मुझ में तीन चीजें ना होती। एक, मैं इतना खूबसूरत ना होता जितना कि था। दूसरे, मैं लड़कियों की तरफ इतनी आसानी से न खिंच जाया करता जैसे कि खिंच जाता था। तीसरे, काश मुझे नाटक से इतना शौक ना होता जितना कि रहा जब मैं 10 बरस का था, सिर्फ 10 बरस का। ये क्या माँ, मेरे लाल को कहीं नजर ना लग जाए। अजी सुनती हो, जरा ये टाई ही स्त्री हो जाती। अभी किए देती हूँ, जरा केवल स्कूल चला जाए। केवल स्कूल चला जाए, और जैसे हमारा कचहरी जाना तो जरूरी है ही नहीं। देखो बेटा, अब सीधे स्कूल जाइयो, और जब स्कूल बंद हो जाए सीधे घर आइयो। रास्ते में रुकना कहीं नहीं, ठहरना कहीं नहीं, किसी से बात भी नहीं करना। अच्छे बच्चे घर से सीधे स्कूल जाते हैं और स्कूल से सीधे घर आते हैं, समझे? लेकिन मेरे पैसे। एक बार फिर सुन लो,
घर से सीधे स्कूल जाना और स्कूल से सीधे घर आना। रास्ते में रुकना कहीं नहीं, ठहरना कहीं नहीं, यहाँ तक के किसी से बात भी नहीं करना। रास्ते में रुकना कहीं नहीं, ठहरना कहीं नहीं, यहाँ तक के किसी से बात भी नहीं करना। रास्ते में रुकना कहीं नहीं, ठहरना कहीं नहीं, यहाँ तक के किसी से बात भी नहीं करना। केवल जरा ठहरो, मैं भी स्कूल चल रही हूँ। मशहूर ड्रामा बिलवा मंगल पेश करेगी, जिसमें हिंदुस्तान की मशहूर एक्टर मास्टर शंकर और मिस दरीना काम करते हैं। और याद रखिए साहबान, आज ये खेल आखिरी बार दिखलाया जा रहा है। टिकट सिर्फ 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपया और 8 आने, सिर्फ 8 आने, सिर्फ 8 आने। आओ साहबान, मुझे भी एक दो। नहीं, बचेलो को नहीं। और मुझे? हाँ, तुम्हारी बात और है। सिकंदर ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो तक्षशिला के राजा आम्भी और जेहलमपार के नरेश पुरु की आपस में लड़ाइयां चल रही थीं। ये लड़ाइयां ना होती तो यूनानी आंधी की तरह इस देश पर न छा जाते। हमारा देश इतनी आसानी के साथ अपनी हार न मान लेता। इस घर की लड़ाई ने हमें एक दफा ही गुलाम नहीं बनाया बल्कि 20 बार, इसलिए हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां टली। जेहलम के किनारे जब यूनानी फौजें पहली दफा हिंदुस्तानी फौजों के सामने आई तो उनके कदम न ठहर सके। हिंदुस्तानी शूरवीर इस बहादुरी से लड़े कि दुश्मन के दांतों पसीना आ गया। उस वक्त सिकंदर को अगर एक चाल न सूझती तो यूनानी हार चुके थे। उसने सोचा वो अगर रात को जबकि हिंदुस्तानी फौजें आराम कर रही हों तो अपनी फौजों के साथ ऊपर टूट पड़े तो उनमें खलबली मच जाएगी। उसी रात की बात, आज रात को 10 बजे मंगलदास पार्क में न्यू एडवर्ड कंपनी का मशहूर नाटक बिलवा मंगल, बिलवा मंगल, नया खेल, नई सीनरी, नए नाच, नए गाने। टिकट सिर्फ 5 रुपए, टिकट सिर्फ 5 रुपए, 2 रुपया, 1 रुपया और 8 आने। याद रखिए साहिबान, इस शहर में ये हमारी कंपनी का आखिरी खेल है। बिलवा मंगल, बिलवा मंगल, टिकट सिर्फ 8 आने, 8 आने, 8 आने। केवल जी मास्टर जी, मैं जो कह रहा था उसे दोहराओ। जी सुना नहीं तुमने? दोहराओ जो कुछ मैं भी कह रहा था। आप कह रहे थे मंगलदास पार्क बिलवा मंगल, आज रात को 10 बजे नए गाने, नए नाच, नई सीनरी, टिकट सिर्फ 8 आने। खामोश। तो मैं कह रहा था मंगलदास पार्क दिलवा मंगल, आज रात को 10 बजे। अभी बताता हूं तुम्हें, बिलवा मंगल का सारा खेल तुम्हें अभी ना दिखा दूं तो मास्टर अमरनाथ मामले।
ओहो, मैं किताब तो भूल ही चला था। तुम यहाँ ही बैठोगी क्या? जरा ये बटन टाक लूं। चल गया। छोड़िए भी। चलिए। सुना है शहर में थिएटर कंपनी आई गई है। थिएटर? शैतान का कारखाना। ये भी कुछ शरीफ आदमियों के देखने की चीज है। ये केवल अब तक क्या कर रहा है? कर क्या रहा होगा, सो रहा होगा। ये कमबख्त बत्ती जलाकर भी सोता है। आप ही की आदतें ली है ना, आपका बेटा नहीं क्या? सो रहा है बेटा। सो रहा है, लेकिन उसने तो कहा था। लेकिन निम्मी, ये कोई वक्त है तेरे आने का? जाओ बेटी अपने घर, जाओ मेरी अच्छी बेटी, जाओ। मेरी आंखों से अपने आप को देखो, तुम्हारे इस रूप के सामने लाखों चांद मांग पड़ जाते। तुमने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? उसकी क्या जरूरत थी, तुमने रस्सी जो लटका रखी थी। रस्सी लटका रखी थी मैंने कहा? ये देखो, ये रस्सी नजर आती है तुम्हें? ये तो सांप है। सांप? तुम्हें रस्सी और सांप में फर्क मालूम नहीं होता? तुम अंधे तो नहीं होगे बिलो मंगल? शायद रोशनी की बौतात भी तो कई दफा इंसान को अंधा बना देती है। बड़ा होकर थिएटर बनाऊंगा, तुम उसमें काम करोगे ना? जरूर। मैं बिलवा मंगल बनूंगा। और तुम? चिंता मणि। हाल है हाउस का? खाली पड़ा है यार। बाबू एक पैसे वाला टिकट और एक पैसे वाला। केवल सर्जिकल कंपनी का मशहूर खेल बिलवा मंगल पेश करने वाले हैं। नई सीनरी, नए नाच, नए गाने। इसमें मशहूर एक्ट्रेस निम्मी, माफ कीजिएगा मिस निर्मला और मास्टर केवल यानी आपका दास काम कर रहे हैं। नई सीनरी, नए नाच, नए गाने। टिकट सिर्फ एक आना, दो पैसे और एक ऐसा दोहरा बुकिंग ऑफिस। ये
केवल थिएटरकल कंपनी। देखिए दो दो पैसे वाले। अरे जाएगा बाबा। ए वक्त होगा खेल शुरू करो। आ गई? नहीं, पता उठा कर गाना शुरू कर दो। गाना? हाँ गाना। बाहर वाले अड्डे की तरफ जाते देखा। मैंने पूछा तो उसने कहा वो अपने मामू के घर जा रही है हमेशा के लिए। मिम्मी बहुत रो रही थी। मिम्मी चले गई? वो बहुत रो रही थी, वो तुमसे मिलना चाहती थी। अब तो वो चली भी गई होगी। वो लोग 1 बजे की बस से जा रहे थे। अब क्या वजह? 1:05 है, अब खेल का क्या होगा? चिंता मने के बगैर बिलवा मंगल खेला जा सकता है क्या? बंद कर दो। कद आज खेल नहीं होगा, कद अब कभी खेल नहीं होगा। निम्मी निम्मी निम्मी। लेकिन निम्मी चली गई। मेरी आंखों के सामने मेरे सपनों के दिए बुझ के रह गए और मैं कुछ न कर सका। मैं कितना बेबस था, इंसान कितना बेबस है। मैं वहां खड़ा था और मेरी जिंदगी मुझसे दूर हुई जा रही थी। जीवन इस सड़क की तरह लंबा, अंधेरा, उदास और वीरान नजर आता था। कई साल बाद जब हम पिताजी के साथ लक्ष्मणपुर से बंबई चले गए और मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज में पहुंच गया, तब की बात है। आप हैं मिस निर्मला देवी, जयपुर कॉलेज से माइग्रेट करके यहाँ आई हैं। मिस निर्मला, आपके लिए भी तो कोई जगह बनानी पड़ेगी। फिलहाल आप वहां बैठ जाइए। सालिग्राम विलियम गारी लाल, हरकिशन लाल, जय किशन, जय किशन, मोहम्मद इस्माइल, हरकिशन लाल, सर मुकुंद लाल,
रामचरण। यस सर। काली शरण। यस सर। राम राव। यस सर। जनार्दन शर्मा। रेडी। अपनी क्लास है ना मनता राम। देख प्रभु नारायण। हमारी क्लास में लड़की कोई नहीं ना। कोई नहीं। मुझे लड़की दिखाई दे रही है। लड़की केवल खन्ना श्री राम। केवल खन्ना प्रिंसर तुम सो रहे थे क्या? जी नहीं, एक चीज खो गई थी, ढूंढ रहा था। क्या खो गया था? बचन लाल। यस सर। दुर्गा प्रसाद। यस सर। मिस निर्मला। यस सर। सफा 144। आपका नाम मिस निर्मला है? मेरी एंटोनेट जी। क्यों? यूं ही। हम कल बड़ा प्यारा नाम है। पर बहस कर रहे थे। आपको लोग बचपन में निम्मी तो नहीं कहते थे? मेरी एंटोनेट के साथ। जी नहीं, मेरा बचपन का नाम मुन्नी है। बचपन से ही था। आप लक्ष्मणपुर की रहने वाली हैं? जी नहीं, जयपुर में। केवल खन्ना, तुम्हें 2 रुपए जुर्माना किया जाता है। जी क्यों? 2 रुपए नहीं, 4 रुपए। निकल जाओ क्लास से। प्रोफेसर साहब, आखिर क्यों? तुम जितनी बार पूछोगे क्यों, तुम्हारा जुर्माना बढ़ता ही जाएगा। गुस्ताखी माफ, लेकिन मैं भी पूछ कर ही रहूंगा। क्यों? 8 रुपए। 16 रुपए। लेकिन क्यों? तुम बातें कर रहे थे। शुक्रिया, मालूम तो हो गया क्यों। उसकी रियाया पर बंद थे, उसी तरह उसका दिल भी रियाया की हालत से बेखबर था। केवल खन्ना, केवल खन्ना, मैं माफी चाहती हूँ। माफी? कैसी माफी? मेरी वजह से आपको जुर्माना हुआ। जुर्माना आपकी वजह से? मुझी से तो बातें करने पर आपको जुर्माना हुआ। जुर्माना तो होता ही रहता है, ये तो खुशी की बात है कि आपसे बातें करने पर हुआ। एक बात पूछूं आपसे? कहिए। क्लास में आपने मेरा बचपन का नाम क्यों पूछा था? बचपन में मैं भी उस निर्मला से जानता था, लोग उसे निम्मी कहते थे। बड़ी प्यारी लड़की थी वो। मैं उसे पास। कब की बात है ये? कोई 100 साल पहले की, जब मैं 10 बरस का था। अब कहाँ है वो? कौन जाने, वो तभी चली गई थी। मैंने कई खत लिखे, लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया। फिर मालूम हुआ उसके मामू चले गए हैं, और वो भी उनके साथ। अब तो 11 साल बीत गए। आप उसे अभी तक नहीं भूले? जिंदगी के पहले सुनहरे सपने को कोई भूल सकता है? आपने क्या नाम बताया था अपनी निर्मला का? निम्मी। आप चाहें तो मुझे निम्मी कहकर पुकार सकते हैं। निम्मी, निम्मी बिल्कुल आप जैसी ही थी। Thank you.
कहीं का दीपक कहीं की बातें, कहीं का दीपक कहीं की बातें, आज बने हैं जीवन साथी। देखता है चांद मुसाफिर देख चांद की ओर, देख चांद की ओर, देख चांद की ओर, मुसाफिर देख चांद की ओर, देख चांद की ओर। घटा घनघोर देख, घटा घनघोर मुसाफिर देख, घटा घनघोर देख, घटा घनघोर। चांद के मुख पर घूंघट डाले खेल रही जोके, खेल रही जोके, छिपा लिया आंचल में मुखड़ा, देख घटा का खेल, देख घटा का खेल। खेल खेल में देख मुसाफिर बंधी प्रीत की डोर, देख चांद की ओर, देख चांद की ओर, मुसाफिर देख चांद की ओर, देख चांद की ओर। मां मैं जा रहा हूँ। नमस्ते पिताजी। कहाँ चल दिए केवल? जी आज यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक कंपटीशन है, मैं शकुंतला खेल रहा हूँ। इनाम की उम्मीद है? जी उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और इम्तहान कब हो रहा है तुम्हारा? 10 तारीख को जी। सिर्फ 3 दिन बाकी है ना? जी हाँ। ठीक कहा तुमने, उम्मीद पे दुनिया कायम है। वोकेशनल एजुकेशन यूएस। नमस्ते पिताजी।
निर्मला, 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 केवल निर्मला निर्मला, मैं कितनी देर से तुम्हारी राह देखता हूं। तुम्हें मालूम नहीं ड्रामा ठीक 9 बजे खेला जाने वाला है। केवल मुझे मालूम है, लेकिन लेकिन क्या? मैं नहीं चल सकूंगी। मैं चल ही नहीं सकती। तुम चल नहीं सकती? क्यों? तुम्हारे बगैर शकुंतला कैसे खेला जाएगा? वहां सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए होंगे। मैं मजबूर हूं केवल। ये क्या मजाक है निर्मला? मजाक भी वक्त का अच्छा मालूम होता है। ये मजाक नहीं केवल, मैं ठीक कह रही हूं। मैं आज शकुंतला नहीं खेल सकती। लेकिन क्यों? तुम 2 दिन पहले भी तो मुझे कह सकती थी। कैसे कहती? मुझे ही क्या मालूम था। लेकिन हुआ क्या है, कुछ मालूम भी तो हो। इन हाथों की मेहंदी देख रहे हो? मेरी मंगनी हो गई है, परसों ब्याह है। तुम्हारी मंगनी? कब? आज ही। मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन माता जी और पिताजी उन्होंने जबरदस्ती वो इस हफ्ते विलायत जा रही हैं। कौन? तुम्हारे दूल्हा? हाँ, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी केवल। मैं मजबूर थी, मेरे हाथ बंधे हुए थे और होंठ सिले हुए। केवल तुम नाराज हो मुझसे। तुमसे नाराज होकर क्या करूंगा निर्मला, मेरे भाग्य ही ऐसे हैं। मेरे आशियाने में थे 4 दिन के चमन लुट के आंधियां आते आते। केवल जाने से पहले कुछ मांगू तुमसे? कहो। मंजूर है? कहो निर्मला। एक बार मुझे निम्मी कहकर पुकारो, सिर्फ एक बार। निम्मी, निम्मी तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी दुनिया हमेशा मुस्कुराहटों और गीतों से आबाद रहे, दुखों की परछाई भी ना पड़े तुम्हारे संसार पर। तुम जहां रहो खुश रहो, तुम्हारी जिंदगी की हर रात पूर्णमासी की रात हो, अमावस का अंधेरा तुम कभी ना देखो।
सदा सुखी रहो मिलने। निम्मी
यार तेरा मेरा नंबर भी तो देखियो, क्या नंबर है तेरा? 425, 420, 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
क्या हुआ मेरा? बोलता क्यों नहीं? क्या तो यार, हमारा बड़ा ख्याल का ख्याल हो गया है। केवल मैं पास हो गया हूँ। चार सौ बीस, चार सौ इक्कीस, चार सौ बाईस, चार सौ तीस, चार सौ चौबीस, मैं कहती हूँ इसमें जरूर कोई गलती हुई है। मैं कहता हूँ तुम्हारा लड़का गलती से भी फेल नहीं हो सकता। मुझे तो पहले ही मालूम था, केवल के लक्षण ही ऐसे थे। तीन दिन रह गए थे इम्तिहान में, साहब शकुंतला खेल रहे। ये भी मेरा ही दोष है ना? तुम्हारा नहीं, तुम्हारे प्यार का। मैंने जब भी केवल से कुछ कहना चाहा, तुमने मेरी जुबान पकड़ ली। नतीजा ये हुआ कि केवल फेल हो गया है ना? मैं ही बुरी हूँ, हर बात का दोष मुझी पर आता है। मैंने कहा ही क्या है? आप कहने के सिवा जानते भी क्या है? केवल सुबह 7 बजे से गया है और अब तक घर नहीं लौटा, और अब तक केवल ने कुछ ना। बड़ा होकर थिएटर बनाऊंगा, तुम उसमें काम करोगे ना? मैं बिरला मंगल बनूंगा और तुम चिंता मनी। हाथ जोड़ती हूँ, केवल से कहिएगा कुछ नहीं। केवल तुम आ गए बेटे, तुम बाहर जाते हो तो तुम्हें घर का ख्याल ही नहीं रहता, अपनी माँ को भी भूल जाते हो। यहाँ तो फिक्र से सांस सूख जाती है।
बेटे, इम्तिहान में अगर सभी पास हो जाया करें तो इम्तिहान ही बंद हो जाए। मेहनत करना इंसान का फर्ज है, और अपनी तरफ से तुमने क्या कोई कम मेहनत की थी? ये और बात है कि तुम्हारे परदादा से लेकर मुझ तक कभी कोई किसी इम्तिहान में नाकाम नहीं रहा। तुम्हारी मां कहती है, जान है तो जहान है, इम्तिहान तुम हुए हर्षल होते ही रहते हैं। इस साल नहीं तो अगले साल पास हो जाओगे। और फिर किसी ने कहा भी तो है, गिरते हैं शहसवार भी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तुम भी तो शहसवार हो केवल, कॉलेज खुले तो फिर से दाखिल हो जाओ। तुमने चींटी की कहानी तो सुनी ही होगी। जी सुनी है, लेकिन अब मैं कॉलेज जाने से रहा। क्या मतलब? मैं पढ़ना नहीं चाहता। क्या कहा? मैं पढ़ना नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता। पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो सरकारी वकील कैसे बनोगे? उस गद्दी पर कैसे बैठोगे जिस पर कभी मेरे परदादा, बाद में मेरे दादा और अब आप बैठे? मुझे यह गद्दी भी नहीं चाहिए। केवल? हाँ मां, मैं पढ़ाई जारी नहीं रख सकता। और आजकल की पढ़ाई होती भी क्या है? आठवें हेनरी की आठ बीवियां थी, डिमांड और सप्लाई में गहरा ताल्लुक है। इसके अलावा थोड़ी सी अंग्रेजी, थोड़ी सी संस्कृत और बाकी 50 नंबर की हिंदी। मैं पूछता हूँ, हेनरी अगर आठ के बजाय 10 शादियां कर लेता तो हमारे लिए क्या फर्क पड़ता? मैं पूछता हूँ, तुम कॉलेज में एक साल और पढ़ो तो तुम्हारे लिए क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है पिताजी, मेरी जिंदगी का एक साल और कम हो जाएगा। तुम्हें कौन सी लाट साहब के दफ्तर में नौकरी मिल रही है तो तुम्हारी जिंदगी का एक साल और कम हो जाएगा? लाट साहब का दफ्तर ही तो दुनिया में सब कुछ नहीं। दूसरे, मैं नौकरी करना भी नहीं चाहता। नौकरी नहीं करोगे तो क्या सड़कों पे आवारा घूमोगे? यही समझ लीजिए, मैं अपना थिएटर बनाना चाहता हूं। तुम अपना थिएटर? जी, मैं अपना थिएटर बनाना चाहता हूं। केवल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? मैंने पहली बार दुनिया को अपनी आंखों से देखने और अपने दिमाग से समझने की कोशिश की है। मैं अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहता हूं, मैं अपनी मंजिल खुद ढूंढना चाहता हूं। और मंजिल ढूंढते ढूंढते तुम भटक गए तो? मैं अपना रास्ता फिर से ढूंढने की कोशिश करूंगा। केवल, तुम मेरे घर में रहकर अपने रास्ते खुद नहीं ढूंढ सकते। आपने खुद ही मेरे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर हटा दिया। आशीर्वाद दीजिए। मैं जा रहा हूं। एक दफा फिर सोच लो केवल, अपना रास्ता बनाना इतना आसान काम नहीं। मैं जानता हूं पिताजी, लेकिन इसका क्या होगा? मैं खुद मुश्किलों में घिरना चाहता हूं। मुझे आसान राह पसंद ही नहीं, मुझे कांटों से भरे हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पसंद। मुझे आशीर्वाद दो मां। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते केवल। मैं मजबूर हूं मां। केवल, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं, तुम्हारी मां तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही है। तुम्हारा प्यार मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहा है मां। मैं अपनी पलकों से कांटे हटा दूंगी मेरे बच्चे। मां, मैं मजबूर हूं मां, मेरी मुश्किलें और ना बढ़ाओ। आप भी खामोश करें, केवल को रोकते क्यों नहीं? मैंने ऐसी गीदड़ भक्तियां बहुत सुनी है,
से जाने वाले बहुत देखे हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तुम देखना केवल सुबह ही वापस आ जाएगा। मैं केवल को जानती हूँ, मैं केवल की माँ हूँ। केवल वापस नहीं आएगा, मुझे मालूम है केवल वापस नहीं आएगा। मैंने पिताजी से कहा था मैं अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहता हूँ। अब मैं उस रास्ते पर था, रास्ते पर मुझे मुश्किलों ने घूरा, नाकामियों ने रोका। दो दिन हो गए थे मुझे घर छोड़े हुए, जेब खाली थी, पेट खाली था, लेकिन दिल में वलवले भरे थे। मैं थक थक गया, थक कर बैठ भी गया, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ उस रास्ते पर चलने के लिए जो मैं खुद चुना था, जो मेरी जिंदगी का रास्ता था। थिएटर, थिएटर, थिएटर मेरी मंजिल थी। मैं उसके कितना पास पहुंच चुका था, फिर भी मंजिल कितनी दूर नजर आती थी, कितनी दूर, कितनी। मंजिल ढूंढते ढूंढते तुम भटक गए तो मैं फिर से अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करूंगा पिताजी। केवल तुम मेरे घर में रहकर अपने रास्ते खुद नहीं ढूंढ सकते। शुक्रिया पिताजी, आपने खुद ही मेरे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर हटा दिया। केवल मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही है। माँ, मैं मजबूर हूं मां, मेरी मुश्किलें और न बढ़ाओ। एक दफा फिर सोच लो केवल, अपना रास्ता खुद बनाना इतना आसान काम नहीं। मैं जानता हूं पिताजी, मैं जानता हूं, लेकिन इसका क्या हो कि मैं खुद मुश्किलों में घिरना चाहता हूं। मुझे आसान राह पसंद ही नहीं, मुझे कांटों से भरे हुए टेढ़े मेरे रास्ते पसंद है। ये मेरी कहानी नहीं, हर शहर, हर जगह, हर घर, हर नौजवान के सामने यही सवाल है। जिंदगी उसकी है, लेकिन उससे बनाना उसके हाथों में नहीं। वो एक मुट्ठी भर मिट्टी है, जिसे मां बाप चाहे तो खूबसूरत मूर्ति में बदल दे और चाहे तो बिन सरताज का खिलौना बना दे। मैं पूछता हूं, हम अपने जीवन खुद क्यों ना बनाएं?
मेरे पिताजी मुझसे नाराज है। हमारा खानदान वकीलों का खानदान है। अंग्रेज ने जब हिंदुस्तान में पहली कचहरी खोली थी तो मेरे परदादा उसमें वकील की हैसियत से पेश हुए थे। इस खानदान का कोई आदमी थिएटर कैसे बना सकता है, थिएटर कैसे बना सकता है। मेरी मां को भी बहुत दुख पहुंचा है। मां मुझसे बहुत प्यार करती है। दुनिया भर के आराम और आसाइश मेरे घर में मौजूद है, फिर भी मैंने घर छोड़ा। मां, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मैं कितना बेबस हूं। मैं तुम्हारे प्यार की कीमत कभी नहीं चुका सकता। मुझे वो दिन याद है जब मैं जरा सा बीमार पड़ता था और तुम्हारी जान पर बनाती थी। रात को जब सारा संसार आराम से सो रहा होता था तो तुम मेरे पास बैठकर दर्द में डूबी हुई सिसकती हुई आवाज में भगवान से मेरे जीवन का दान मांगा करती थी। लेकिन मां, मैं मजबूर हूं। मैं अपने आप से लड़ते लड़ते हार गया हूं। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं ठुकराया, मैंने तो सिर्फ वो घर छोड़ा है जिसकी पथरीली दीवारें मेरे दिल की चीखें नहीं सुन सकती थी। फिर भी मुझे माफ करना और पिताजी से कह देना कि मैं उनके माथे का धब्बा नहीं बनूंगा। मैं थिएटर को उस ऊंचाई पे ले जाऊंगा जहां लोग उसे इज्जत की नजर से देखें, उसकी हंसी ना उड़ा सके, उसकी हंसी ना उड़ा सके। खूब बोलते हो। आपकी तारीफ, तुम बोल रहे थे तो जान पड़ता था कि अजंता की मूर्तियों को बानी मिल गई। हाय खूब, आप हैं कौन? तुम्हारी आवाज में क्या सर और तुम्हारा चेहरा जैसे कोई उदासी की तस्वीर की। मैं पूछता हूं, आप हैं कौन? मैं एक चित्रकार हूं, तस्वीरें बनाता हूं। माफ कीजिए, मुझे कोई तस्वीर नहीं बनवानी आपसे। मैं इस थिएटर का मालिक भी। आप इस थिएटर के? जी, मैं इस थिएटर का मालिक भी हूं। तुम्हें नाटक का बहुत शौक है? जी हाँ। नाटक कभी खेला भी है तुमने? जी हाँ। कब? कोई 100 साल पहले, जब मैं 10 बरस का था। कोई 100 साल पहले? अब कितने बरस के हो तुम? 20 बरस का। ओ समझा, कोई गहरी चोट खाई, तभी तो कहते कहते दिल गले ना कर बैठ गया। ऐसा ही समझ लीजिए। कौन थी वो? कौन थी वो? किसे मालूम? मुझे तो उसके नाम तक की खबर नहीं। बस इतना जानता हूं कि जब वो नाचती थी तो ऐसा मालूम होता था जैसे चांद की किरणें झील में तैर रही हो। मेरा दिल कहता है वो लड़की आपको फिर मिलेगी। आपकी तपस्या आकारित नहीं जा सकती। और तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी निम्मी? मेरी और बात है, मेरे भाग्य ही ऐसे, और अब तो एक आदत सी हो गई है। एक मुद्दत से जिंदगी का दिया दिल के खून से जल रहा है। अच्छा नमस्ते, अब मैं चलूंगा। कहाँ जाओगे? जहां सींग समाएंगे तो यहीं रह जाओ। यहां रहकर क्या करूंगा,
यहाँ रहकर नाटक खेलना, दिल के अरमान निकालना। सच? क्यों नहीं, कई साल से ये थिएटर खाली पड़ा, बीसों लोगों ने पूछा, मैंने कभी खाने को कोई आदमी इस थिएटर के काबिल नजर नहीं आता। लेकिन मैं किस काबिल हूं? तुम किस काबिल हो? तुम्हारा शौक ऐसा है कि मैं शर्मा रहा हूं, थिएटर तुम्हारे काबिल नजर नहीं आता। तुम नाटक खेलोगे यहां? जरूर जरूर। लेकिन लेकिन क्या? मैं नौकरी नहीं करूंगा, थिएटर तुम्हारा होगा। मेरे लायक जो काम समझो मुझे दे देना। मंजूर? मंजूर है, मंजूर है। आपका नाम क्या है? तुम्हें नाम नहीं बताया मैंने? नहीं। राजन। और तुम्हारा? मैंने भी नाम नहीं बताया आपको। नहीं, केवल। इसका मतलब हम दोनों एक से हैं। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। गुजरेगी तो खूब। मैं इस थिएटर में सारी जायदाद लगा दूंगा। सारी जायदाद? हाँ, सारी जायदाद। क्यों, यकीन नहीं आता? यकीन तो आ रहा है, लेकिन। लेकिन क्या? आपके पास चार आने हैं। चार आने? वो क्यों? मैंने दो रोज से खाना नहीं खाया। आज से हम दोनों दोस्त हैं और हिस्सेदार भी। थिएटर कंपनी है, थिएटर कंपनी। चलो भाई चलो। मुझे केवल बाबू से मिलना। बहुत आया मिलने को ऐसा देकर। चलो भाई चलो। काजी केवल 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 पैटी, बहुत दिनों के बाद मिले। कैसे हो पैटी? कॉलेज के बाद आप मिल रहे हो, बहुत अच्छा हो केवल। पैटी के काम वाम भी करते हो? बहुत बड़ा काम करता हूँ केवल। बहुत बड़ा काम? कैसा काम? सड़कें नापने का, नौकरी की तलाश में फिरने का। पैटी तुझे अब तक काम नहीं मिला? नहीं केवल। पैटी मेरे यहाँ काम करेगा, मेरे खाते एक छोटा सा काम। कैसा काम? नाचने का। नाचने का? गाने का। गाने का? पैटी मैं तुझे एक्टर बना दूँ। अरे मैं एक्टर? केवल सुनो भाई, ¡Gracias!
को जी है रात को जी चमके तारे पहलू में दिल मेरा पाँव पसार जुमे का करुणा रात को जी है रात को जी फूल पपीहारा देख पल मोरा डोल दियारा देख पल मोरा डोल दियारा जी मैं मर गई रामा रात को जी है रात को जी बोले पपीहारा भेद खोले तेरा मेरा मेरा तेरा हो भेद खोले तेरा मेरा तेरा जी मैं का करूँ राम रात को जी है रात को जी चमके चंदा देख पल मैं तेरे प्यार का फंदा जी मैं मर गई रामा रात को जी है रात को जी चमके चंदा तेरे बिन पाए नहीं चैन ये बंदा जी मैं का करूँ रामा रात को जी है रात को जी उठते बादल देख पल मोरा छोड़ दे आंचल जी मैं मर गई रामा रात को जी है रात को जी उड़ते बादल साथ हमारे गोरी दूर चली चल जी मैं का करूँ रामा केवल थिएटर का मशहूर नाटक गा 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 लेकिन लड़की कहाँ है लड़की है नहीं और ड्रामा आ रहा है पैटी क्या केवल ये इश्तहार किसने दिया मैंने दिया आपने दिया हाँ क्यों लेकिन लड़की कहाँ है उसके बगैर ड्रामा कैसे खेला जाएगा ड्रामे में बहुत दिन है अभी तुम इस वक्त क्या कर रहे हो हिरण की फिक्र में था क्यों क्या बात है मिस्टर चौधरी कहाँ आओ भी तुम सवाल बहुत पूछते हो आखिर बात क्या है आप बताते क्यों नहीं घबराओ नहीं कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है सिगरेट शुक्रिया कही? देखो ये कैसी रहेगी इस काम के लिए हीरोइन के काम के लिए क्यों राजन बाबू इस तरह से हीरोइन नहीं मिलेगी फिर मिलेगी तो किस तरह ये मैं नहीं जानता लेकिन इनमें से एक भी लड़की ऐसी नहीं जो हमारे हीरोइन बनने के काबिल हो अभी तो कई लड़कियां बाकी उन्हें देख तो लिया होता केवल कोई फायदा नहीं भाई पता भी तो चले तुम्हारी हीरोइन है कैसी मेरी हीरोइन एक लड़की ओस की बूंद की तरह मासूम पहाड़ी नदी की तरह चंचल जो रोए तो समंदर की छाती फट पड़े जो हंसे तो अपने साथ दुनिया को हंसा दे एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में मदिरा हो आवाज में संगीत और चाल में जादू ये कैसी रहे नहीं और ये इसके मुताले क्या ख्याल
और ये नहीं, और ये नहीं, और ये नहीं। ये कैसी रहेगी? नहीं। और ये नहीं नहीं नहीं। राजन बाबू, मैंने पहले भी आपसे कहा इनमें से एक भी लड़की ऐसी नहीं जो हमारी हिरन बन सके। कुछ और देख लो। कोई फायदा नहीं राजन बाबू। केवल बाबू, एक लड़की आई है। कह दो हम बहुत लड़कियां देख चुके हैं, कह दो हमें कोई लड़की नहीं चाहिए। केवल बाबू, मैंने कहा एक नजर उसको देख लिया होता हुजूर, मैंने भी थिएटर में 30 बरस नौकरी की है। बात यह है महाशय कि मैं आपके तजुर्बे से काम नहीं लेना चाहता, मैं अपने सबक खुद सीखना चाहता हूं। केवल बाबू, केवल बाबू, कोई नौकरी है? हाँ है तो सही। आपका नाम? मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई नाम नहीं। कोई नाम नहीं? ये कैसे हो सकता? कह जो दिया मेरा कोई नाम नहीं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? आपका घर किस जगह है? मेरा कोई घर नहीं, मेरा कोई घर नहीं। आपका कोई घर नहीं? फिर आप आई कहाँ से? नरक से। नरक से? हाँ नरक से। पंजाब आजकल नरक नहीं तो और क्या? जिस तरफ देखो एक आग लगी हुई है। इस आग ने मेरे माँ बाप को चाटा, यही आग मेरे 3 भाई और 2 मासूम बहनों को निकल चुकी है। इसी आग में मेरा घर जला, मेरा नाम जला। और कुछ पूछना है आपको? आइए।
बात पैदा की है, क्या जादू है आवाज में। आप कितना अच्छा गाती, मालूम होता था थोड़ी देर के लिए जमाना एक जगह रुक कर रह गया, जैसे कोई अप्सरा आकाश की नीली ऊंचाइयों पर चांद और तारों के सामने विरह के गीत गा रही हो। झूठी तारीफ तो कोई आपसे सीखे। आपके गीत में आंसू थे, मुस्कुराहटें थी, फूलों के रंग थे उसमें और आहों की गर्मी भी। वो गीत नहीं था, जादू था। मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो केवल से पूछ ली। केवल तुम्हारा क्या ख्याल? केवल बाबू, केवल बाबू, केवल बाबू, केवल बाबू, केवल बाबू, केवल बाबू। आप इस तरह चले क्यों आए? क्यों? कुछ कहा तो होता। क्या कहता? कहता तुम्हारे गीत में आंसू थे, मुस्कुराहटें थी, फूलों के रंग थे उसमें, राहों की गर्मी भी। कुछ और ही कह दिया होता। अब कह दो तो क्या हर्ज है? तुम्हारे गीत में नाहों का धुआं था, ना आंसुओं की नमी, ना फूलों के रंग थे उसमें, ना मुस्कुराहटों की चमक। आवाज के उतार चढ़ाव को संगीत नहीं कहते, गीत गले से नहीं दिल से निकलते। लेकिन राजन बाबू तो बहुत तारीफ करते हैं। यही तो फर्क है राजन बाबू और मुझ में। राजन बाबू चित्रकार हैं, तस्वीरें बनाना जानते हैं, उनमें जान डालना नहीं जानते। वो चेहरे की खूबसूरती में ही भटक कर रह जाते हैं। मैं आत्मा में झांकना चाहता हूं। वो समंदर जैसी नीली आंखें देखते हैं तो अशस्कर उठते हैं, और मैं चाहता हूं आंखों की नीली गहराइयों में गोते लगाऊं और चंद अछूते मोती ढूंढने की कोशिश करूं।
मुझ में और राजन बाबू में बहुत फर्क है। वो शरीर के पुजारी हैं, मैं आत्मा का। मैं चाहता हूं तुम्हारी आंखों में तुम्हारी आत्मा की झलक दिखाई दे, तुम्हारे आंसुओं में तुम्हारे खून की बूंदें नजर आए। हाथों में जान की किरणें भी हैं और बिजलियों की आग भी, दिल से निकले दिलों में उतर जाए। मैं कोशिश करूंगी केवल बाबू, मैं कोशिश करूंगी। मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस फूल की तरह खिलने से पहले मुरझा जाओ। सबसे ऊंची शिखा पर देखना चाहता हूं केवल बाबू। मैं कोशिश करूंगी, मैं वचन देती हूं, मैं सौगंध खाती हूं केवल बाबू। Thank you.
क्या जगमगाए जो दिल बुझ चुका हो वो क्या जगमगाए ये तस्वीर तो देखो केवल अभी खत्म की बहुत अच्छी पहले उसे देखो फिर इसे और फिर कहो कैसी है ये राजन वो रूप है ये छाया है भी खूब न जाने इस तस्वीर में क्या है जो मुझे बार बार निम्मी की याद दिलाती है और ये चीज इस तस्वीर में नहीं उस लड़की में भी है निम्मी नाजुक बनाया था तुम्हारे सीने में पत्थर का दिल किसने रख दिया राजन बाबू आज मैं बहुत खुश हूं आज मैंने आकाश को छू लिया है राजन बाबू आज उन्होंने मुझे निम्मी कह के पुकारा वो कहते हैं उन्हें ये नाम बेहद पसंद है राजन बाबू क्यों नहीं तुम खुद जो कह रही हो फिर मेरे कहने की क्या जरूरत है आपको ये नाम पसंद नहीं निम्मी बड़ा प्यारा नाम फिर आप खुश क्यों नहीं आप उदास क्यों हो मैं उदास हूं नहीं तो मैं उदास कहा मैं तो आज बहुत खुश हूं बहुत खुश केवल ने तुम्हें निम्मी कहकर पुकारा केवल निम्मी उसी को कहता है जिसे वो चाहता प्यार करता है निम्मी आज तुमने सचमुच आकाश को छू लिया आज सचमुच मैं बहुत खुश हूं बहुत खुश जीवन भर में मैं इतना खुश कभी नहीं आप तो रो रहे हैं नहीं खुशी मुस्कुराहट की हद से गुजरती है तो आंसू बन जाती है निम्मी गौर से देखो तुम्हें मेरे आंसुओं में भी मुस्कुराहटें नजर आएंगी Thank you.
जाओ जाकर आराम करो, शाम को खेल करना। नाच कैसा था? अच्छा था। सिर्फ अच्छा ही था? अच्छा ही था। बदन में कुछ लोच पैदा कर लो तो और अच्छा हो जाए। हम तो तब माने जब तुम्हारे एक एक अंग में तुम्हारी आत्मा अंग्राई आई दिखाई दे। टैक्सी आ गई है केवल। आज मैं पूरे एक साल के बाद घर जा रहा हूँ। माताजी और पिताजी से खेल देखने को कहूंगा। पिताजी का तो कह नहीं सकता लेकिन माताजी जरूर आएंगी, वो कभी इनकार नहीं कर सकती। वो तुम्हें देख के बहुत खुश होंगी, वो निम्मी को भी बहुत चाहती। केवल टैक्सी इंतजार कर रही है। हम चले, शाम को मिलेंगे। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊंगी। कैसी खुशखबरी? ये तो शाम को ही बताएंगे। सुनोगी तुम नाच उठोगी, दमाग आसमान पे चल जाए। अभी बताइए ना। शाम को बताऊंगा। ये बात है। क्या बात है? हमें तो पहले ही से मालूम था। क्या मालूम था? शाम को बताऊंगा, सुनोगी तो नाच उठोगी। पागल तो नहीं हो गया फैटी? मैं पागल? जरा माथे का पसीना तो पूछो केवल बाबू। फैटी के बच्चे, चलो टैक्सी चलो। केवल बाबू, लक्ष्मी माता जी कहाँ है? लक्ष्मी ऊपर है। माँ जी, माँ जी, छोटे बाबू आए हैं। केवल, मेरे बच्चे, केवल, केवल, मेरे बच्चे, आज याद आई है बाकी, साल भर में फुर्सत नहीं मिली तुझे, देखो, देखो तो जरा मेरे लाल को, आओ बेटा। माँ, माँ मुझे जल्दी जाना है। जाना है कहाँ बेटा? अभी अभी तो आए हो। माँ, आज मैं खेल कर रहा हूँ, तुम्हें बुलाने आया था। पिताजी कहाँ? कचहरी गए, उनके आने तक तो ठहर जाओ। फिर आऊंगा माँ, पहले कहो तुम खेल देखने आओगी। आके देखो तो सही, तुम्हारे नालायक बेटे ने घर से निकल कर किया क्या है। आओगी ना? जरूर आऊंगी। और पिताजी? कोशिश करूंगी। जरूर आना माँ, मैं इंतजार करूंगा।
बरस की, 16 बरस की भई उमरिया, 16 बरस की भई उमरिया। गोरे गोरे पाँव में झांझन, गोरे गोरे पाँव में झांझन, चाल करे बदनाम, होए होए चाल करे बदनाम, हाय हाय चाल करे बदनाम, हाय हाय चाल करे बदनाम। संदल जैसे हाथ लकीले, चंदल जैसे हाथ लकीले, कौन न ले दिल थाम, होए होए कौन न ले दिल थाम, हाय हाय कौन न ले दिल थाम, हाय हाय कौन न ले दिल थाम। देख के चंदा जैसा मुखड़ा, सब बोले हाय राम, होए होए सब बोले हाय राम, हाय हाय सब बोले हाय राम, हाय हाय सब बोले हाय राम। सबकी लागी उसपे नजरिया, 16 बरस की भई उमरिया, 16 बरस की भई उमरिया, 16 बरस की भई उमरिया। कोशिश करो जब तुम स्टेज पर पहुंचो तो अपने आप को भूल जाओ। छोड़िए भी इन बातों को। अच्छा तो वो खुशखबरी क्या है? कब? आपके बाद जो मैं ड्रामा खेलूंगा उसका नाम होगा निम्मी। लेकिन वो खुशखबरी क्या है? ये खुशखबरी नहीं, मैं तो कुछ और ही समझी थी। क्या समझी थी? अच्छा फिर बताओ। जुग जियो मेरे लाल, आज तो तुमने रुला रुला कर बुरा हाल कर दिया। देखो तो, देखो मेरे आंसू अब तक नहीं सूखे। माँ, माँ आज इस थिएटर के भाग जाग उठे। बात क्यों टालते हो बेटा, मेरे आंसू नहीं सूखेंगे क्या? मेरी आंखें हमेशा इसी तरह भीगी रहेंगी? माँ, तुम तो पहेलियों में बातें कर रही हो। माँ केवल, मैं एक भीख मांगू तुमसे? मैंने एक बार पहले भी भीख तुमसे मांगी थी, जानते हो कब? कब माँ? जब तुम घर छोड़ रहे थे, लेकिन तब तुम मेरी झोली झटक कर चले गए थे। तुम कहो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए माँ? केवल मुझे बहू चाहिए, तुम्हारी दुल्हन। केवल, केवल। राजबाबू को देखा है आपने? Thank you.
राजन बाबू। राजन बाबू भी सकता, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें मौत की नींद भी मैं ही सुलाऊंगा। अब बुलाओ अपने केवल को, अब कहो से तुम्हें जिंदा कर दे। बाबू देखो देखो मेरे हाथ उसके खून में रंगे हुए, मैंने इन्हीं हाथों से उसका खून बहाया है। ये क्या किया आपने राजन बाबू? क्या किया है मैंने? ये तस्वीरें मेरी जिंदगी थी, मेरा जीवन। ये समझ लो केवल मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। लेकिन क्यों? क्यों? जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं। मुझे कुछ भी तो मालूम नहीं। क्या कहा? तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं? तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि मिम्मी वही लड़की जिसे मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार देखा था, लेकिन उसे एक ही मुलाकात ने मेरे दिल में लाखों दिए रोशन कर दिए थे। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि मिम्मी वही लड़की जिसकी तस्वीरें मैंने बनाई, जिसके सिवा मैंने कभी किसी की तस्वीर नहीं बनाई। नहीं, नहीं। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि मिम्मी के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, उसके बिना मेरे गीत सुनसान है, और वो तुम्हें चाहती है, तुमसे प्यार करती है। नहीं, नहीं, तुम झूठ कहते हो। मैं झूठ नहीं कह रहा राजन बाबू, मैं झूठ नहीं कह रहा। कहिए ना केवल बाबू, वो खुशखबरी क्या है? क्या ये सच है निम्मी? क्या यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे चाहती हो? अपने दिल से पूछिए केवल बाबू। पूछ चुका हूं अपने दिल से। क्या कहता है? वो कहता वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो कहता राजन बाबू तुम्हें चाहती। राजन बाबू? हाँ निम्मी, उनकी जिंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी, उनके गीत तुम्हारे बिना सुनसान है। लेकिन लेकिन मेरे गीत कितने सुनसान हैं आप क्या जाने, मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है आपको क्या मालूम। राजन बाबू मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें खूब जानता हूं। निम्मी निम्मी मुझने क्या है जो राजन बाबू में नहीं? मैं नहीं जानती आप में क्या है, सिर्फ इतना कह सकती हूं उनके पास ऐसा सुंदर मुखड़ा नहीं, ऐसी नीली आंखें नहीं, ऐसे सुनहरी बाल नहीं, ऐसी नीली आंखें नहीं, ऐसे सुनहरी बाल। निम्मी निम्मी उनके पास सोने जैसी आत्मा है। आत्मा? सोने जैसी आत्मा? आप तो कहते थे राजन बाबू शरीर के पुजारी हैं, और मैं आत्मा में झांकना चाहता हूं। केवल बाबू एक बार तो मेरी आत्मा में भी झांक कर देखा होता, देखा तो होता कितनी उम्मीदें, कितने सपने, कितनी चाहें आपके लिए सिसक रही, तड़प रही।
मेरे ये आंसू, इनमें आपको खून की बूंदें नजर नहीं। ये झूठ है, ये झूठ है। अगर ऐसा होता तो हर रात आप मेरे सपनों में क्यों आते? सपने झूठे होते हैं निम्मी। तो क्या ये सपना ही था? निम्मी, जब भी मैं मजबूर हूं। मैं भी तो मजबूर हूं केवल बाबू। निम्मी, निम्मी, राजन बाबू तुम्हें बहुत चाहते। तुम्हारे कदमों में उनका दिल तड़प रहा। आपके कदमों में भी तो एक दिल तड़प रहा है केवल बाबू। निम्मी, माफ कीजिएगा, आपका सीन आ गया। तो मैं राजन बाबू से क्या कहूं? कह दीजिएगा निम्मी मर गई, आपने अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया। लेकिन कल तुम्हारी शादी, मगर इंसान का फर्ज नहीं, नहीं, इंसान होने के नाते पहले तुम्हें अपना फर्ज ही निभाना चाहिए। जाओ बेटा, अपनी जान की बाजी लगा दो और बचा लो उसे। मत रोको, मुझे जाना ही होगा। मेरा मुल्क मुझे बुला रहा है, मेरे मुल्क को मेरी जरूरत है। मेरे मुल्क की जिंदगी और मौत का सवाल है ये मेरी जिंदगी और मौत का भी तो सवाल है। मैं मजबूर हूँ, मैं भी तो मजबूर हूँ। मेरी मुश्किलें और ना बढ़ाओ। लेकिन मेरा प्यार, रोको अपने प्यार को, कहो उससे कि मेरे रास्ते से हट जाए। दिल में दिल है कि सुलग
केवल बाबू को देखा है तुमने? जी नहीं, राजन बाबू ढूंढने गए। क्यों हट रही हो? इन नीली आंखों में तो झांक कर देखो, ये आंखें तुम्हें बहुत पसंद थी ना, और ये सुनहरे बाल, जरा इन्हें भी तो हाथ लगा कर देखो। डर रही हो मुझसे, इस सुंदर मुखरे से? मैं तो हर रात तुम्हारे सपनों में आया करता था ना, पर अब तुम उन्हीं सपनों से दूर। निम्मी, निम्मी, दुनिया में चेहरे की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। नीली आंखें और सुनहरे बाल जिंदगी की मुश्किल राहों पर दूर तक साथ नहीं देते। सपनों का सुनहरा संसार जरा सी आंच लगने पर मोम की तरह पिघल पिघल गया। आपसे कोई मिलने आया है? आने दो। आइए। कौन? कौन है? मैं हूं निम्मी। निम्मी बैठो, बैठो। कैसी हो? अकेली आई हो? जी। आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा। फूल लाई हो? ये अंगूठी? उन्होंने दी है। किसने? राजन? जी। शादी कब है? जिस दिन आप अच्छे हो जाएंगे। मैं तुम दोनों के लिए प्रार्थना करूंगा। मैंने पहले भी एक बार किसी के लिए प्रार्थना की थी। निम्मी, निम्मी तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी जिंदगी हमेशा मुस्कुराहटों और गीतों से आबाद रहे, दुखों की परछाई भी न पड़े तुम्हारे संसार पर, तुम्हारी जिंदगी की हर रात पूर्णमासी की रात हो, अमावस का अंधेरा तुम कभी न देखो, सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो, तुम सदा खुश रहो। तो इस तरह वो भी आपके जीवन से ओझल होगी? वो चली गई, वो मेरी आंखों की नीली गहराइयों में ही गुम होकर रह गई। उसे कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि वो मेरी आत्मा में झांक सके, मेरे दिल तक पहुंच सके।
आपके दिल तक पहुंचा भी है कोई? हाँ। कौन? निम्मी, वो मेरी नीली आंखों और मेरे सुंदर मुखड़े को नहीं, मुझे चाहती थी। कब की बात है ये? कोई 100 साल पहले की, जब मैं 10 बरस का था। हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ सपने देखते थे। अब तो वो भी एक सपने की सी बात मालूम होती। लेकिन अब तक आप वो सपना नहीं भूले? कैसे भूल सकता है कोई? निम्मी की याद तो मेरे दिल के हर कोने में बसी है, जैसे फूलों की खुशबू। लेकिन अब तो निम्मी आपके सामने से भी गुजर जाए तो भी उसे आप पहचान न सकें। मैं निम्मी को पहचान न सकूं? मैं तो उसे लाखों में पहचान लूं, वो है भी तो लाखों में एक ही। झूठ। लाखों में क्या, निम्मी अगर आपके सामने भी बैठी हो तो भी उसे आप पहचान न सकें। आपने पहचाना मुझे? समझ में नहीं आता, आपने जो मेरा नाम दूसरों को दे दिया इसलिए मैंने बदल कर अपना नाम सुधा रखा। निम्मी, एक बात पूछो। निम्मी पूछो। मैं एक बार फिर थिएटर बनाऊंगा, तुम उसमें काम करोगी? जरूर। मैं बिलवा मंगल बनूंगा और तुम चिंता मनी।